अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा मैं जी शॉप की तरफ जा रहा था तो गली के अंदर मैंने थोड़ी नज़र घुमाई तो देखे लड़कों का काम सुबह सुबह, ये कबूतर जी किसी का आ गया उड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक कबूतर अपने घर से ले आए हैं, ठीक है, और थोड़े से ले आए हैं दाने, ठीक है, गंदम के। तो ये अब दाने डाल रहे हैं ताकि वो कबूतर नीचे आ जाए और उसको ये जल्दी से पकड़ लें। देखें जी कैसा मज़े का सीन है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कितना प्यारा कबूतर है, ठीक है जी। ये दोनों भाई खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से वो नीचे आ जाए और उसको हम पकड़ लें। अच्छा मुझे नहीं लगता यार नीचे आएगा, चलो मैं थोड़ा शायद थोड़ा दूर हो जाता हूँ, शायद मुझे देख के ये कर रहे हूँ। ये बुला रहा है भाई, लेकिन कोई सीन नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, वो काफ़ी सहमा हुआ है। लेकिन इन्होंने हाथ में पकड़ी है कबूतरी, कोई पता नहीं है वो आ भी जाए, ये ना कि वो कबूतरी हो। अच्छा जी ये उसका भाई उड़ाने लगा है उसको, पत्थर फेंको पत्थर। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहा है आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। दाने नीचे फेंक ना, तूने दाने हाथ में उठाए हुए हैं। ये नहीं आने वाला भाई, काफ़ी देर होगी, मैं जाता हूँ शॉप पे, क्या सीन है। आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया, उड़ के आ गया उड़ के आ गया भाई, दीवार पे दीवार बैठे पत्थर मारा। ओ क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ओए क्या बात है भाई। लो जी आ गया नहीं? भाई ने कबूतर पकड़ लिया जी माशाल्लाह, ये देखिए ये दाने। वाह भाई वाह, गुड हो गया भाई, गुड हो गया भाई, क्या बात है भाई, आ गया क्या सीन है। मैंने कहा नहीं पकड़े तय गया। अच्छा कब वो पकड़ के दिखाओ वो बैठे कब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के फजल करम और रहमत के साथ। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो सीन ऐसा है कि मैं सुबह आ रहा था शॉप पे बाइक के ऊपर, तो रास्ते में को दो लड़कियाँ जा रही थी, ठीक है बाइक के ऊपर, तो रास्ते में को दो लड़कियां जा रही थी, पता नहीं बाज़ार जा रही थी, पता नहीं किधर जा रही थी। मैंने उनको हॉर्न दिया, ठीक है, एक होती इस तरफ एक होती इस तरफ दूसरी तरफ, यानी दोनों ने खला कर दिया अपने अंदर एक इस तरफ एक। मैंने एक बाइक बीच में से गुजारने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया, ठीक है, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने कहा भाई आपको तमीज़ नहीं है, ठीक है जी, और कहती कि हमें लिफ्ट दे दो, हमें ज़रा बाज़ार तक छोड़ दो, थोड़ा अड्डे तक छोड़ दो, तो क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा अड्डे से दूर है ना। तो उन्होंने बोला जी मुझे ना थोड़ा अड्डे तक छोड़ दो, हमारे पास लिफ्ट वगैरह नहीं है, हमारे पास रिक्शा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं बाजी, मैंने जाना है अपनी शॉप पे, ठीक है, मैं काम करने जा रहा हूँ। बड़े कुत्ते हैं तो खुदा की कसम, बस वो लड़की की बात आए ना तो बड़े गौर से सुनते हो। पहली बात मैं शॉप पर आता ही पैदल हूँ और आप लोग समझ रहे हो बाइक पर आता हूँ, क्या बात है यार, को लड़की की बात होता है ऐसे आप सुन लेते हो, कोई सीन नहीं लड़की का। मैं शॉप पे पहुंचा हूँ, पैदल पहुंचा हूँ, ठीक है, शॉप खोल ली है, सफाई वगैरह कर ली है और अभी चाय का ऑर्डर आ गया। अब चाय अच्छा जी ये भाई कह रहे हैं जी पांच कप लगा दें जी, पांच ये आमिर भाई है जी, कितने भाई मिलाई मार के पांच मिलाई मार के जी पांच कप लगा दें मगे जो रमेश कुमार आए। चाय जी तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पाँच कप, तो ये हम लेके जा रहे हैं जिन जिन भाई की उनको देखते हैं। ये मिल गए जी आमिर भाई, नलके पे आ गए हैं आमिर भाई, ये आपने पांच कप कहे थे मैं ले आया हूँ। हाँ ठीक है, मैंने मिलाई वाले कहे थे, मिलाई है ना इसमें? जी जी मिलाई है, देख लें सामने आपके भाई, ये दो बड़े हैं और तीन छोटे हैं। अच्छा फिर हाँ, क्या करना है फिर इसमें? आपने 30 रुपये कम करना है। अच्छा जी चलो चलते हैं आगे। अच्छा जी चाय वगैरह मैंने दे ली है, ठीक है, कस्टमर वगैरह को, तो अपने लिए एक कप बनाया, तो मैंने कहा ज़रा मैं भी सांस ले कर पी लूँ क्योंकि मैं घर चाय वगैरह नहीं पी के आता, तो पीते हैं जी।
अपनी चाय तो मैं इलायची डाल के तो अमेजिंग बनाता हूँ, कस्टमर की भी अच्छी बनाता हूँ। अगर आप लोगों ने भी चाय पीनी है तो आ जाए, मैं तो पी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पी लूँ, दूध को बॉयल वगैरह कर लें, फिर आपके साथ इंशाल्लाह मिलता हूँ। चाय नहीं बल्कि दूध पत्ती है, यहाँ से मिलती है हमेशा दूध पत्ती। अच्छा ना, तो मैं काफ़ी दूर तक चाय देने जाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, काफ़ी सफ़र है। अब चाय मैं दे आया हूँ, कप उठाने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो क्या कहते हैं, काम जो भी है ना, ठीक है, उसमें पहले आप लोग तरक्की तब कर सकते हो, सबसे पहले आप अपनी मैं मारनी पड़ती है, ठीक है, कि एक बंदा खान मलिक या कोई भी हो, तो अगर कोई भी काम करता है वो कहेगा यार मैं खान बंदा ये काम करूँ, मैं हूँ मलिक बंदा मैं ये काम करूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी मैं ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह आप तरक्कियों पे पहुंच जाएंगे, तरक्की बुलंदी कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले मैंने काम कहां से स्टार्ट किया, मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे पास एक मोबाइल था, ठीक है, V21E जो कि लेकिन यार यहां में पिघल गया, यानी 45,000 का वो आता था मोबाइल, ठीक है। तो उसको मैंने बेच के ये चाय वाला कारोबार स्टार्ट किया, मैं मंथ में मुझे 30,000 इन्वेस्टमेंट करनी बची, 15,000 मुझे बच गए, तो वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल और 3 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, मुझे काम में। यहाँ पे दोस्त वगैरह काम करते हैं, ये मेरे कप पड़े हैं, मैं कप को उठा लेता हूँ। यहाँ पे सामने मज़दूर वगैरह हैं, यहाँ से मैं कप उठाने आता हूँ, तकरीबन 1 मिनट मुझे लगा है यहाँ पर आते हुए, ठीक है। मैं दूसरी हैंड में बेल पकड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कप उठा लिया मैंने, तो क्या कहते हैं, मैंने 45,000 का मोबाइल बेचा, उसमें से 30,000 इन्वेस्टमेंट की चाय वाले काम के अंदर, मिस्त्री वगैरह लगवा के, ठीक है, और क्या कहते हैं इसके अंदर मैंने कप वगैरह, गैस वगैरह, सिलेंडर, जो जो चीज़ें ली मुझे 30,000 में पड़ा। अभी मजा आएगा ना, 30,000 मैंने 1 साल और 3 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इसके शॉप के ज़रिए घर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मोबाइल भी ले लिया है आईफोन 65,000 का 8 प्लस, ठीक है। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैसे वगैरह जमा कर लिए। तो सबसे पहले बात ये है ना कि अपनी मैं ख़त्म करो, कोई भी काम करना है, ठीक है, हक लाल की रोज़ी कमाओ, ठीक है। हक लाल की रोज़ी कमाओ का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि क्या होता है, क्या सीन होता है, कि आप ना उसके अंदर नाप तोल के अंदर कोई फ़र्क ना करें, ठीक है। जब कोई तकड़ी के अंदर या वैसे को करते हैं, किसी से पैसे लेने देने, किसी को उधार दें, तो उसको बताएं, अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो पहली बात ज़्यादा लिख लेना चाहिए। अगर दे रहे हो उधार कोई चीज़ वगैरह, सब्ज़ी या कुछ भी कैसे इतने दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं उसको बताएं कि आपके 5 रुपये 10 रुपये के ऊपर टैक्स लगेंगे, या पेट्रोल ले रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अभी चाय काट रहा है आपको, फिर मैं बताता हूँ कि हलाल की कहानी एक तो सुनाता हूँ आपको, इंशाल्लाह वो ट्रस्ट लगेगी। फिलहाल मैं चाय दे लूँ, चाय काट रहा है क्योंकि मेरी मजबूरी है, चाय भी बनाना है और मैंने व्लॉग भी बनाना है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल वगैरह कर रहा हूँ। फिलहाल चाय दे लूँ, ठीक है, ऑर्डर आ गया, उसके बाद मैं करता हूँ। चाय वाय दे लिया जी, तो घर से आ गया खाना, ठीक है। तो 4 लोग बैठे हैं अभी मिलके, भाई है और 2 शागिर्द हैं, तो अभी करते हैं स्टार्ट। गोश्त पका है माशाल्लाह, आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी साबिर साहब, सबर इकबाल साहब, ये भाई इमरान साहब, ये दर्जी की शॉप है। साथ ही जब खाना आता है घर से इकट्ठा आता है तो मिलके खाते हैं, ताकि मिलके खाने में कहते हैं बरकत होती है माशाल्लाह। तो खाना खा लूँ उसके बाद फिर अगला स्टेप करते हैं। तो उसका ऐसा ऐसा माशाल्लाह इतना काम बढ़ गया कि उसका कहते हैं कि तराजू और जो उसके पत्थर होते हैं ना, वो भी उसने ले लिए सोने के, ठीक है। तो इतना अमीर हो गया, तो उसने कहा कि मैं बुज़ुर्ग का शुक्रिया तो अदा करूं कि मैं माशाल्लाह इतना अमीर हो गया और इतना मेरा कारोबार बढ़ चुका है। तो वो गया उस बुज़ुर्ग के पास, अपना तराजू भी ले गया और तराजू के ऊपर जो पत्थर होते हैं नाप तोल करते हैं वो भी ले गया साथ अपने। तो वो गया बुज़ुर्ग को दिखाया कि आज माशाल्लाह मैं इतना अमीर हो चुका हूँ, ठीक है, मेरे पास गाड़ी वगैरह बंगला कारोबार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरा हो चुका है, ठीक है, और देखे कि मैंने तराजू और हत्ता के पत्थर भी सोने के ले लिए, ठीक है। तो बाबा जी ने उनको कहा कि अपना जो इसके तराजू के जो पत्थर है ना, ये किसी समंदर में बहा दो, ठीक है। तो वो बड़े इस बात को सुन के हैरान होता है कि आखिर मैंने इतनी मेहनत से कमाया है तो बाबा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पत्थर समंदर में बहा दो। आखिर वो बाबा जी की बात सुन के चला जाता है, ठीक है। तो समंदर के करीब जाता है तो समंदर में वो तराजू के जो पत्थर होते हैं सोने के, वो उसको समंदर के अंदर फेंक देता है, ठीक है। तो
ऐसा होता है कि समंदर की किसी लहर के साथ वो तराजू के पत्थर सोने के वो किनारे पे आ जाते हैं, तो उस वहाँ से कुछ मुसाफिर गुजरते हैं तो उनको वो पत्थर मिल जाते हैं सोने के तराजू के, तो वो कहते हैं कि यार पत्थर किसके हो सकते हैं। तो उस जो था दुकानदार उसकी उन पत्थरों के ऊपर मोर लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा भी यहाँ वो काफ़ी वहाँ के मशहूर होता था इलाके में क्योंकि वो काफ़ी मालदार हो चुका था, तो उन्होंने कहा भी भाई उसके पास ऐसे तराजू के पत्थर थे सोने के, शायद उसी के हों, तो उसके पास चलते हैं। तो वो जो काफिला था वो तराजू के जो पत्थर थे सोने के वो लेके गए उस आदमी के पास। उन्होंने कहा जी ये आपके हैं? उसने कहा जी बिल्कुल मेरे हैं। ठीक है, वो उसने उन्होंने सोने के जो पत्थर थे वो तराजू के जो पत्थर थे उन्होंने दे दिए उस आदमी को। ठीक है, तो फिर वो दोबारा उसी पत्थरों को लेके उसी दिन बाबा जी के पास भागता भागता गया। तो उसने कहा बाबा जी के मैंने जो पत्थर थे मेरी कमाई के पत्थर सोने के पत्थर तराजू के पत्थर मैंने बनाए हुए थे वो मैंने समंदर में फेंक दिए आपके कहने पे, लेकिन वो फिर दोबारा मेरे पास आ गया, मैं क्या करूँ? तो उसने कहा कि बेटा अगर आप हक हलाल की रोज़ी कमाओगे, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में नाप तोल में फ़र्क नहीं करोगे तो आपकी जो हक हलाल की कमाई है ना अगर आप किसी समंदर में भी बहा दोगे ना तो वो आपकी कहीं नहीं जाती, वो आपके पास ही रहेगी। मैं आपको एक ऐसी वाक्य सुनाता हूँ कि अभी मैं जहर की नमाज़ पढ़ के आया, तो नमाज़ पढ़ने से पहले मेरे पास दो कस्टमर आए, ठीक है, तो उनको मैंने दो कप चाय दी, ठीक है, जिनके प्राइस बनती थी 80 रुपीज़, यानी 80 रुपये उनकी प्राइस बनती थी। तो साथ शॉप थे भाई क्लाथ वाले पे, तो उन्होंने कहा भी आज नमाज़ पर चलें, तो मैंने कहा चलो। तो बैठे कस्टमर अभी चाय पी रहे थे, ठीक है, तो दोस्त ने कहा कि यार इनसे पैसे ले लूँ भाग जाएंगे। मैंने कहा यार कहीं भी नहीं जाते, हम नमाज़ पढ़ के आते हैं, ठीक है, पैसे कहीं भी नहीं जाते, आके इनसे पैसे वसूल कर लेंगे। हालांकि उनके दो कप चाय के बनते थे 80 रुपये। तो मैं नमाज़ पढ़ के आया, नमाज़ पढ़ के जब शॉप में अंदर देखा तो कप के नीचे वो 100 रुपये रख के चले गए थे, लेकिन मैंने हक हलाल की रोज़ी कमाई, ठीक है। तो इसमें कोई हलाल हराम को हराम की तो ऐसी बात ही नहीं है, तो जैसे कि यकीन होना चाहिए अपनी रोज़ी के ऊपर, ठीक है। आप हक हलाल नहीं अगर कमाते तो फिर आपके कारोबार में नुकसान वगैरह तो ज़रूर आएंगे। जब अगर किसी के साथ दो नंबर ही करते हैं, किसी को दो नंबर चीज़ वगैरह सेल करते हैं तो आपको इसमें नुकसान वगैरह। तो हमने इस चीज़ से ये सीखा इस कहानी से कि हमें हमेशा हक हलाल की कमानी चाहिए, हक हलाल की रोज़ी में बरकत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो क्योंकि मुझे घर भी देखना है, घर भी चलाना है, ठीक है, शॉप भी चलानी है, ठीक है, और व्लॉग भी बनाना है, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल वगैरह पेश आती है। तो अगर मेरा व्लॉग या वीडियो आपको कहानी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।